हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर का एक और नया सेट पेपर। ये इस सीरीज का पार्ट 33 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, इस सीरीज में हम करंट अफेयर 2019, 2020 और 2021 को लेकर चल रहे हैं और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। दोस्तों, लखनऊ वाराणसी रेल खंड पर प्रतापगढ़ एवं बादशाहपुर के बीच स्थित है ये स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहिब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका अनंगशा विश्वास। याद रखिएगा, दादा साहिब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से अनंगशा विश्वास को सम्मानित किया गया। दोस्तों, मिर्जापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों आदार पूनावाला को। याद रखिएगा, सिंगापुर के द स्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ होने के कारण इन्हें सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य सरकार ने मोजेर हार्ट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? राइट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य ने मोजेर हार्ट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इसका नाम बदला गया। 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना था। फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया? राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, अजय बंगा एवं एडोब के सीईओ शांतनु नारायण को फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया। दोस्तों, इस सूची में एलोन मस्क शीर्ष स्थान पर रहे। चंद्रमा की सतह पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन बना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, और इसका सही आंसर है चीन। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा देश बन गया है चीन। चीन ने चांग-E-5 मिशन के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। याद रखिएगा, इससे पहले अमेरिका अपोलो मिशन के दौरान पहला देश बना था। बुक 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किसने किया? सही आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। याद रखिएगा, इस बुक के राइटर कौन हैं? तो इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे ये कोरी एंडरसन और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। दोस्तों, इन्होंने वनडे क्रिकेट में 36 यानी कि 36 गेंदों में 100 रन बनाए थे और याद रखिएगा बाद में इस रिकॉर्ड को एवी डिविलियर्स ने 31 यानी कि 31 गेंदों में तोड़ दिया था। यानी कि 31 गेंदों में 100 रन बनाकर इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया था किसने? एवी डिविलियर्स ने। दिसंबर 2020 में किस राज्य ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, जिसमें 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग होने पर बिल में 50% की छूट दी जाने की घोषणा की गई। 2019 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम क्या था? राइट आंसर है दोस्तों इसका म्यूजियम एच कल्चर हव द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन। याद रखिएगा, इस दिवस को 18 मई को मनाया जाता है। 2019 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने किस देश के साथ समझौता किया?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये दोस्तों, और इसका राइट आंसर है नेपाल। याद रखिएगा 2019 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने नेपाल के साथ समझौता किया था। 2019 में जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा देश कौन बना था? राइट आंसर है दोस्तों इसका आयरलैंड। याद रखिएगा आयरलैंड दूसरा देश था, तो पहला कौन था? पहला था ब्रिटेन। 2019 में किस राज्य सरकार ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी? राइट आंसर है दोस्तों तेलंगाना। याद रखिएगा तेलंगाना राज्य ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष मनाने की घोषणा की थी। 2019 में किसने चंद्रमा लैंडर के एक नमूने का अनावरण किया था? राइट आंसर है दोस्तों जेफ बेजोस। याद रखिएगा जेफ बेजोस, यहां से क्वेश्चन बनता है। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं। 2019 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन डी। 2019 विश्व माप विज्ञान यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फंडामेंटल बेटर। याद रखिएगा ये थीम रहा 2019 विश्व माप विज्ञान दिवस का। इसे 20 मई को मनाया जाता है दोस्तों। यह दिवस 20 मई 1875 को मीटर सम्मेलन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ए वॉक अराउंड द ब्लॉक पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों स्पाइक कार्लसेन, यानी कि ऑप्शन ए। द न्यू नॉर्मल ए रोड मैप टू रेसिलेंस इन द पेंडेमिक इरा पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जेनिफर एस्टन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इस किताब का विमोचन 2020 में किया गया था, और इससे पहले जो मैंने आपको बुक बताई थी स्पाइक कार्लसन की, उसे भी 2020 में विमोचित किया गया था। किस बैंक ने लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका पंजाब नेशनल बैंक। याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया एवं ऋण प्रस्ताव की मंजूरी में सटीकता बनाए रखने के लिए एक ऋण प्रावधान समाधान जिसका नाम है लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया। तो याद रखिएगा दोस्तों इस सिस्टम का नाम लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया? इसे पंजाब नेशनल बैंक ने। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।